हेलो चिल्ड्रेंस, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म यानी कि विस्तारित रूप। तो चलिए सीखते हैं कि एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन में सबसे पहले एट है, तो यहाँ पे हम एट लिखेंगे। एट के बाद काउंट करेंगे कि कितना डिजिट दिया हुआ है। तो 1 2 3 4, 4 0 लिखेंगे। उसके बाद प्लस का साइन देंगे। एट के बाद है 6, तो 6 लिखेंगे। अब 6 के बाद काउंट करेंगे कि कितना डिजिट दिया हुआ है। 1 2 3, तो 3 0 लिखेंगे। फिर से प्लस का साइन देंगे। 6 के बाद 9 है, 9 इसके बाद काउंट करेंगे कितना डिजिट दिया हुआ है। 1 2, तो 2 0 लिखेंगे। फिर से प्लस का साइन देंगे। 9 के बाद 4 है, 4 के बाद 1 डिजिट है, प्लस का साइन 3, 3 के बाद कोई डिजिट नहीं है, तो 3 का 3। इसमें भी ऐसे ही करेंगे। 2 है तो 2 लिखेंगे, 2 के बाद का डिजिट काउंट करेंगे, 4 डिजिट है, 4 0 लिखेंगे, प्लस का साइन देंगे। फिर 3 है, 3 के बाद 3 डिजिट है, तो 3 0, इसके बाद 0, 0 के बाद भी 2 डिजिट है, लेकिन 0 कितना ही बार लिखो, 0 तो 0 ही होता है, 0 का वैल्यू 0 ही होता है, तो इसीलिए हम एक ही बार 0 लिखेंगे, प्लस का साइन देंगे। 9 है तो 9, 9 के बाद 1 डिजिट है, तो 1 0, प्लस 2। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको समझ में भी आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।